राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा हरियाणा कला परिषद और भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के तत्वाधान में चंडीगढ़ में 20 मार्च से 3 अप्रैल 2018 को थिएटर ओलंपिक्स का आयोजन किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा नाट्य उपक्रम होता है थिएटर ओलंपिक्स। 51 दिनों तक चलने वाला यह महाकुंभ थिएटर ओलंपिक भारत में चंडीगढ़ सहित 17 शहरों में इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कला के विशाल महासागर में 450 से अधिक नाटकों का मंचन होगा, जिसमें 250 युवा कलाकारों की प्रस्तुतियों के साथ साथ देश विदेश के 25,000 कलाकार थिएटर ओलंपिक के इस महायज्ञ में अपनी कला की आहुति डालकर पूरे विश्व में मित्रता का संदेश देंगे। ऑन बिहाफ ऑफ कल्चरल ऑर्गेनाइजर्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, आई थैंक यू अगेन एंड अगेन फॉर मेकिंग अस दिस अ ग्रेट सक्सेस। आई थिंक आई एम टॉकिंग इन एडवांस फॉर द फ्यूचर ऑफ ग्रेट सक्सेस ऑफ दिस to the 8th Theatre Olympics of the Chandigarh chapter. Thanks. Haryana Kala Parishad ke upadhyaksh Shri Sudesh Sharma ji, Natya Vidyalaya Delhi ke registrar Shri P.K. Mohanty ji, un sab ka main swagat karta hun. Ye Theatre Olympic pure vishv ko mitrata ka sandesh dena chahti hai. Flag of friendship. Anya jagah hote hote ये आठवां प्रदर्शन है जो चंडीगढ़ में हो रहा है। चंडीगढ़ का बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम थिएटर ओलंपिक के आयोजकों को जिन्होंने तय किया उन सब का अभिनंदन भी करता हूं और धन्यवाद भी अपना प्रकट करता हूं। नाटकों के इस महाकुंभ की शुरुआत 1993 में ग्रीस के डेल्फिन शहर में हुई थी। थिएटर ओलंपिक्स का मकसद अंतरराष्ट्रीय सहयोग और विचारों के आदान प्रदान के जरिए थिएटर को और भी समृद्ध बनाना है। वर्ष 1995 में ग्रीस से चला नाटकों का ये कारवां वर्ष 2018 में दिल्ली आ पहुंचा। ये महाकुंभ दिल्ली समेत देश के 17 राज्यों में आयोजित किया गया। भारत में आयोजित हुए थिएटर ओलंपिक्स में लगभग 30 देशों ने भाग लिया, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राजील, चाइना, चेक रिपब्लिक और पोलैंड जैसे देशों ने अपनी कला की छाप छोड़ी। भारत में इस भव्य आयोजन की शुरुआत ऐतिहासिक लाल किले से 17 फरवरी 2018 को उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा की गई। इस फेस्टिवल की लिविंग लेजेंड सीरीज में देश के दिग्गज रंगकर्मी अपनी मास्टर क्लास के माध्यम से युवा कलाकारों से सीधे रूबरू हुए। चंडीगढ़ पहले से ही विश्व प्रसिद्ध है और वर्ष 2018 में उसके इतिहास में थिएटर ओलंपिक का सुनहरा पन्ना भी दर्ज हो गया, जिसमें देश विदेश से हिंदी, अंग्रेजी एवं अनेकों क्षेत्रीय भाषाओं में प्रस्तुतियां आई और रंगमंच प्रेमियों ने हर रोज भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करा। चंडीगढ़ को थिएटर का मक्का कही जाने वाली कहावत पर फिर एक बार मोहर लगाई। हरियाणा और पंजाब के लोक कला रूपों का एक लंबा इतिहास रहा है, जैसे कि स्वांग और सांग हरियाणा में, नकवाल और भांड मिरासी पंजाब में। इसके अलावा राजस्थान और अन्य शहरों से आए लोक कलाकारों ने भी विभिन्न लोक कलाओं द्वारा थिएटर ओलंपिक्स के आंगन की शोभा बढ़ाई। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और हरियाणा कला परिषद का यह प्रयास चंडीगढ़ के कला के इतिहास में सदैव अविस्मरणीय रहेगा।